की पावर है, जैसे सब्जेक्ट का सब्जेक्ट नहीं है, जैसे टाइप क्वेश्चन नहीं, पूरा प्योरली प्रोसीजर है, इंटरनल सब्जेक्ट मैटर है, आई होगा, ठीक है। अब देखो जो हम आज कवर करने वाले हैं, जो सबसे पहला बात जो मोस्ट लाइकली इस क्लास का बचा रहेगा, उसमें हम देखेंगे पार्ट नंबर 11, जो मिस लेगेस प्रोसीजर करता है। इस पर सेशन शुरू होगा सेशन 132 से, तो फटाफट से मार्क कर लीजिए अपने इसमें से जो कौन-कौन से सेक्शंस हैं, जिनमें हम आगे पढ़ेंगे। जैसे सेशन 132, 133, 134 पढ़ेंगे, 135 पढ़ेंगे, 135 डीबी पढ़ेंगे, 136 भी पढ़ेंगे, 137 भी पढ़ेंगे। उसके बाद आएंगे हम लोग सेक्शन 141 पे, सेक्शन 142 पे, मार्क करते चला बच्चे। फिर आएंगे सेक्शन 144 पे, उसके बाद आएंगे 145 पे, 146 पे, 147 पे, 148 पे, 148A पे, 149 पे, 150 पे और 151 पे, ठीक है। फिर अगली क्लास देखेंगे, आज की क्लास में मैंने बता दिया। तो ये जो बिजनेस वाला चैप्टर है, देखो बहुत ही सारा मिक्स बैग है, देखो टाइटल मिला बिजनेस, इसका एजेंडा पता चला तो ज्यादा लगेगा आपको लेटर में, क्योंकि थोड़ा आपको बॉक्स फील होगा आपको। देखो इसमें बहुत सारे सेक्शन आ गए इस चैप्टर में जो है कोई पॉइंट, पर टाइम भी फिट नहीं हो पाए। अभी तक हमने इतने सारे चैप्टर्स पढ़े, किसी का कॉन्टेक्स्ट था, इसमें एक्सीक्यूशन की बात हुई, किसी की समझ की बात हुई, किसी की वर्किंग की बात हुई, ये ऐसे सेक्शन है पूरी तरीके से चैप्टर में फिट नहीं हो पाए, पर है इंपॉर्टेंट, उसी का पार्ट है जो सब्सक्राइब किया है, इसलिए सबको मिला के एक चैप्टर आ गया है बिजनेस, जिसको सबसे पहले पढ़ना। अब यहां पर कुछ सेक्शंस तो ऐसे हैं जैसे जो बिल्कुल ऐसे सही तो मैंने आ गया है, बट पढ़ेंगे उसमें भी हम कुछ अच्छा ट्राई करेंगे पढ़ेंगे दिमाग से। इनमें भी कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जो बेहद महत्वपूर्ण हैं, मतलब कि इंपॉर्टेंस की कोई आई नहीं आने चाहिए, पर हां कुछ ऐसे होंगे जो पता होने चाहिए, बट इतना बहुत ज्यादा उसमें समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं, एक बार देख लो समझ लो 35, तो मैं आपको साथ ही साथ सेक्शन पढ़ा जाऊंगा, उसके साथ ही साथ रिलेटेड पॉइंट्स बताता जाऊंगा। और थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट फील होगा बिजनेस सेक्शन में, मेरा सारे सेक्शंस वो हैं जो बच गए, तो जरूरी नहीं है सारे सेक्शंस कनेक्टेड होंगे, हर सेक्शन अपनी अलग अलग लेके आएगा। वैसे हर सेक्शन कुछ सही होंगे बीच में, इंटरलेस में समझ में, काफी हद तक उस डिफरेंट फील होंगे, तो थोड़े से सेक्शन डिपेंडेंट फील होंगे, तो हर सेक्शन को बारी बारी से वन इज मोर इंडिपेंडेंट मैनर में समझना, ऐसा पहली बात करने जा रहे हैं। तो उसमें भी आप इस प्रैक्टिस को फॉलो करना, जैसे आपका सेक्शन 1.5 तक पढ़ लिया, अब दो तीन लाइन छोड़, हेडिंग का सीरीज, हर एक सेक्शन के एक्सप्लेनेशन के बाद बीच में दो लाइन का गैप छोड़ना, क्योंकि सारे सेक्शन से रिलेटेड नहीं है, तो इट इज बेटर टू कोर्स भी आप एक दूसरे से सेपरेशन नहीं बना, जैसे कल कोई लाइन ऊपर नीचे होगी तो आपका कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। अब इसी के साथ आप जो सेक्शन बिल्कुल जो सेक्शन आप बता फटाफट देख लेंगे आप क्या चल रहा है, तो फटाफट सेक्शन को बोलो सेक्शन 132, अभी तो सेक्शन जो अभी आएंगे तुरंत थोड़े से इजी है, कंपैरेटिव इजी है, तो इनको सबसे पहले बदल लेते हैं, फटाफट से बोलो सेक्शन 132 का 132 अच्छा समझ आ गया, हर सेक्शन देखो भले ही चैप्टर फिट नहीं हो पाए, इसलिए डाले डाले हैं, वो रीजन की इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस डाउट नहीं करना, आगे बाकी रिलेटेड पॉइंट्स बताता हूं, सबसे पहले पॉइंट सारे उसका एजेंडा समझना, कि बाबा समझ के आगे से कोई परेशानी नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले बाबा समझना है, एजेंडा समझना है, ध्यान से देखो ये हमारा सेक्शन है, इसका एजेंडा क्या है, इसका एजेंडा है एग्जेम्प्शन करना, एग्जेम्प्ट करना, इसको एग्जेम्प्ट करना महिलाओं को, इसको एग्जेम्प्ट करना महिलाओं को, वुमेन को, इस चीज से एग्जेम्प्ट करना उनकी पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो जैसे चीफ मिनिस्टर का लिखना है आपको, तो क्या क्या एग्जेम्प्शन डाट करा है, वुमेन को, लेडी को, इस चीज से एग्जेम्प्ट पर्सनल एक्सपीरियंस है, एग्जेम्प्ट करना होता है उनके लिए, जरूरी नहीं होगा, क्या करना पर्सनल एक्सपीरियंस करना, वही बटिक्स को दे रहा है वुमेन को, ठीक है। तो ये सब कॉन्टेक्स्ट है, ध्यान से समझ के कहता है वुमेन हु अकॉर्डिंग टू कस्टम्स एंड मैनर्स ऑफ द कंट्री, ध्यान से देखना एक्सप्रेशन को, महिलाएं जो रीति रिवाजों के अनुसार, जो देश के रीति रिवाजों के अनुसार, और नॉट टू बी कंपेल्ड टू अपीयर, और नॉट टू बी कंपेल्ड टू अपीयर इन पब्लिक, जिनको मजबूर नहीं किया जाना चाहिए पब्लिक में आने के लिए, शैल बी एक्सेप्ट फ्रॉम पर्सनल अपीयरेंस इन कोर्ट, ये जो महिलाएं हैं इनके लिए आवश्यक नहीं होगा कि ये कोर्ट में आके पर्सनली अपीयर हो, बस इतना सा मेन जो अजेंडा है सेक्शन 1 का, मतलब ये सेक्शन कह रहा है कि वो जो महिलाएं हैं जिनको रीति रिवाजों की वजह से, जो देश के रीति रिवाज हैं उनकी वजह से समाज में नहीं आना चाहिए, समाज में पब्लिक में नहीं आना चाहिए, पब्लिक में नहीं आना चाहिए, तो ऐसी महिलाओं को मजबूर नहीं किया जाएगा हमारे सिविल प्रोसीजर कोर्ट के द्वारा कि वो पर्सनली आके कोर्ट में अपीयर हो, भी पर्सनली अपीयर कोर्ट में पब्लिक में आना पड़ेगा, ठीक है। पहले सेक्शन पढ़ो, फिर आप सबका सपोर्ट, पर आपको ध्यान रखना है ये जो अधिकार की बात है ना, हमने नथिंग क्लियर शैल बी डीम टू एग्जेप्ट, यहां पे लिखी हुई जो भी बातें हैं वो एग्जेप्ट नहीं करती, सच वुमेन फ्रॉम अरेस्ट, ऐसी किसी महिला को अरेस्ट के खिलाफ इन एग्जीक्यूशन ऑफ सिविल प्रोसेस, एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग के अंदर, जिसके अंदर महिलाओं को अरेस्ट करने से नहीं रोका गया, इस बात को छोड़ दो, बस इतना समझ लो, ये जो लिबर्टी दे रहे हैं, स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हैं महिलाओं को, जिनको समाज में नहीं आना चाहिए, पब्लिक में नहीं आना चाहिए, तो मजबूर नहीं करेंगे, ये लिबर्टी लागू नहीं होगी अगर महिला के खिलाफ अरेस्ट का ऑर्डर जारी हुआ है किसी भी एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग के अंदर, एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग क्या होता है, जो महिला है किसी केस में, किसी केस में आ रही है, वो जजमेंट देता है और वो डिग्री को सैटिस्फाई नहीं कर रही है, मैंने आपको बताया था कि सारे तरीके उनके पास डिग्री वेरिफिकेशन करके प्रॉपर्टी बनाकर चला जाए, तो अगर वो जेल भेजने का ऑप्शन चुन रहा है तो वहां पे ये महिला ये नहीं कह सकती कि मैं जेल जाऊंगी या नहीं जाऊंगी, क्योंकि वो तो पब्लिक है, ये तो प्रोटेक्शन है, याद रखिएगा ये प्रोटेक्शन पर्सनल अपीयरेंस के खिलाफ है, अरेस्ट के खिलाफ नहीं है, पर कुछ बातें हैं जैसे किसी बातें आपको समझ आ रही, पर कुछ बातें हैं जिनमें आपको चाहूंगा कि आप दिमाग लगाएं थोड़ा सा, देखो एक्सेप्शन क्या है, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई परेशानी नहीं है, कि वुमेन को स्पेसिफिक एडवांटेज दे रहे हैं पर्सनल अपीयरेंस के बारे में, कोई मजबूरी करके कोर्ट के सामने बताने के लिए, तो यहां पे टोटल तीन बातें जो आपको याद रखना, पहली बात बच्चे जहां जहां पे सीबीसी के अंदर अभी तक आते हैं पर्सनल अपीयरेंस की बात करी है, अब वो पर्सनल अपीयरेंस चाहे किसी फिटनेस की रही हो, चाहे किसी पार्टी की रही हो, चाहे किसी एक्सपर्ट की रही हो, चाहे संबंध के आधार पर चाहे वोट के आधार पर चाहे नोटिस के आधार पर, हर जगह सीबीसी ने भाषा का इस्तेमाल किया, वो स्टेट लैंग्वेज थी, मतलब सीबीसी ये बताने की कोशिश कर रहा था कि अगर किसी को बुलाया जा रहा है तो उसे कोर्ट आना पड़ेगा, ये बस यही कोर्ट ने प्रोविजन बना के कोई खर्च बैठा है, बात करेंगे से बट एट सेम टाइम अगर बुलाने की बात करो तो वो कंपल्सन का आना ही पड़ेगा, फिर चाहे पार्टी हो चाहे फिटनेस, ठीक है। उसी से रिलेटेड ये प्रावधान आया गया जिसमें वही जो स्टेट सीबीसी दिखाई है स्कूल सेक्शन में, उसमें वुमेन को स्पेसिफिक एडवांटेज दे रहे हैं, उनको मजबूर नहीं करेंगे, यही बात होती है दूसरी कि ये जो स्पेसिफिक एडवांटेज दिया जा रहा है ये हर एक महिला को नहीं है, हर एक लेडी को नहीं है, जैसे किसी के अंदर बेनिफिट किसी लेडी को नहीं करेंगे आप सेक्शन 34 सारी बात पर, वो हर एक लेडी को थी, और ये जो एग्जेम्प्शन दिया जा रहा है सीबीसी के अंदर सेक्शन 32 के अंदर ये हर महिला के लिए नहीं, हर वुमेन के लिए नहीं, ये केवल उन लेडीज के लिए है, उन वुमेन के लिए है जो कल्चर की वजह से, ट्रेडिशन की वजह से, जो हमारे देश का कल्चर, हमारे देश का ट्रेडिशन है, उसी वजह से वो पब्लिक आई में नहीं आना चाहती, पब्लिक आई में नहीं आती, तो अगर महिला है ऐसी कोई परेशानी नहीं है, पब्लिक आई में आने के लिए ना ही ट्रेडिशन से बनी हुई है, तो ऐसी महिला को कोई फायदा नहीं, उसको बुलाया जा सकता है, और अगर महिला आमतौर पर नॉर्मल रहती है तो डिफेंस कर सकती है कि मैं नहीं आना चाहती पब्लिक, अगर आप आमतौर पर पब्लिक में रहते हो तो आपको आना पड़ेगा, तो इसी दूसरी बात से सोचने वाली बात है कि ऐसी कौन सी महिला होगी, अगर एग्जांपल लेके सोचें जो पब्लिक में नहीं आना चाहती, नहीं आती, नहीं आना चाहिए, अगर लैंग्वेज का और कोई है और नॉट और मतलब चाहिए, तो ये एग्जांपल हमारे दिमाग में आता है, हमको पढ़ाया गया और वो एग्जांपल पता चलेगा, पता चलेगा कि लेडी जो पढ़ने रहती है, और इसलिए अगर आप अपनी लाइफ एग्जांपल लेना चाहते हो तो उसी मोमेंट में इसको तो पता फेस वगैरह करते हैं और पब्लिक में कभी मतलब ऐसा नहीं पब्लिक आती बट डोंट शो देयर फेस, वो डोंट इंटेंड टू कम पब्लिक नॉर्मली, तो अगर पता चलेगा एग्जांपल लेके सबसे ऐसी लेडी पब्लिक में आती है तो मजबूर नहीं करेगा, तो एग्जांपल है और बच्चे सबसे महत्वपूर्ण आखिरी बात तीसरी बात, आप हमेशा याद रखना इतना तो होना ही चाहिए कि वो पब्लिक जो महिला है उसको समाज में नहीं आना चाहिए, पब्लिक में नहीं आना चाहिए, पर ना आने की वजह ध्यान से सुनना इस बात को, इसमें बहुत आई है फोटो बीच, ये जो ना आने की वजह है ना पब्लिक में, दैट हैज टू बी कस्टम्स और मैनर्स ऑफ द कंट्री, कंट्री है बच्चे, यहां पे कोई थर्ड कोई रिलीजन कुछ नहीं है, जो पब्लिक में ना आने की वजह है महिला की, वो हमारे देश के रीति रिवाज होने चाहिए, हमारे देश के कस्टम ट्रेडिशन होने चाहिए, अब ऐसा एक्सप्रेशन आपको कहीं देखने को मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा, अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को देखें तो जब उन्होंने सब कस्टम्स लगाया है, यूसेज लगाया है, उन्होंने हमेशा रिलीजन के कॉन्टेक्स्ट में किया है, और ये पहला एक ऐसा एग्जांपल है जिसमें कंट्री शब्द को इस्तेमाल किया है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कस्टम्स, तो सबसे वाली बात ये हो जाती है कि कंट्री के कौन से कस्टम्स होते हैं, जैसे हमने एग्जांपल लिया बनारसी लेडी का, तो बनारसी लेडी ये पूरा वाला कांसेप्ट है डायरेक्ट पॉलिसी का, तो पर्सनल लॉ का, तो क्या ये मुस्लिम पर्सनल लॉ लॉ कंट्री माना जाएगा, तो क्या जो ये बनारसी लेडी है क्या वो एक्सेप्टेड होगी उसके आधार पर, तो वैसे आंसर तो कहां है यस होगी, पर किस आधार पर हम मानते हैं कि कोई कस्टम और कोई मैनर कंट्री का है या नहीं, खासकर हमारे जैसे देश में जिसमें कल्चर इतना ज्यादा वैरायटी है, कितना बड़ा देश है, कितने अलग-अलग स्टेट्स हैं, उन
बट ये किसी समय एट द सेम टाइम ऐसा भी जरूरी नहीं है कि कस्टमर मैनर ऐसा हो जो पूरा देश फॉलो कर रहा हो, सारे राज्य फॉलो कर रहे हो या कोई भी एक पूरा राज्य फॉलो कर रहा हो। तो कहने का मतलब ये है, इट हैज टू बी अ कस्टमर मैनर जो किसी कम्युनिटी के द्वारा जिसके नंबर्स हैं थोड़े बहुत ही परिवार से नहीं है, एक व्यक्ति से नहीं है, उनको बिलोंग करता। अगर वो इसी से करते हैं कि कम्युनिटी है, डिफाइन कम्युनिटी है और वो इस कस्टमर को मानती है, इस मैनर को मानती है, तो ऐसे कस्टमर मैनर को कंट्री का कस्टमर मैनर माना जा सकता है। कंफ्यूज मत होना कि कंट्री का मतलब ऐसा कि भाई पार्टी से काम लगाओ या पूरा देश मानता, ऐसा जरूरी नहीं। भले वो लिमिटेड हो बट एटलीस्ट कम्युनिटी को बिलोंग करे, किसी पर्टिकुलर पर्सन या किसी पर्टिकुलर फैमिली से ना। ठीक है, अगर कोई ज्यादा चीज हो सकती हमारी गांव नहीं आई, कोई मेरे हमारे गांव में कभी लोगों को बाहर जाने देते, आप क्या करते हो या नहीं, दैट इज नॉट द क्राइटेरिया। क्राइटेरिया इज लाइक इट हैज टू बी अ प्री डिफाइंड कम्युनिटी और उसका वो हैज टू बी कस्टमर। कोई ज्यादा डिटेल की बात है कि वजह से नहीं मानते। ठीक है, तो सेक्शन 131 में क्या सीखा, वो एक्सेप्शन ग्रांट करता है वुमेन्स को पर्सनल एविडेंस से, वो जो वुमेन्स है कस्टमर मैनर की वजह से हमारे देश के हैं उनको पब्लिक में नहीं आना चाहिए। पर यही तो लिबर्टी है, ये केवल लिमिटेड है उनके पर्सनल एविडेंस से। अब ये एक्सप्रेशन है पर्सनल एविडेंस, इसको समझो, मतलब समझो पर्सनल एविडेंस मतलब होता है किसी व्यक्ति को कोर्ट में बुलाया जाता है, मतलब जैसे आपके सामने हाजिर होने के लिए बुलाया जाता है। अब इस हाजिर होने के बोलने के पीछे कई वजह हो सकती है, हो सकता है कि इस व्यक्ति से बुलाया जा रहा है खिलाफ केस, हो सकता है नाम मात्र कोई विटनेस हो, कुछ भी हो सकता है, बहुत संगीन से लेकर बहुत मामूली सा। तो ये एक्सप्रेशन है पर्सनल एविडेंस, ये सारी सिचुएशन को इंक्लूड कर लेता है जिसमें कोर्ट किसी व्यक्ति को अपने सामने बस बोलने के लिए बोल रहा है। तो ये पता चली है या फिर लेडी है पब्लिक में नहीं आनी चाहिए नॉर्मली, इसको एक्सेप्शन सारी सिनेरियोस में जहां पे कोर्ट उसको अपने सामने बस बोलने के लिए बोल रहा है, केवल उपस्थित होने के लिए बोल रहा है। और अगर जो कोर्ट का ऑर्डर है वो महिला को उपस्थित होने के लिए बोल रहा है, केवल वो ये बोल रहा है कि सामने आना है आपको, बल्कि उसको अरेस्ट करने के लिए बोल रहा है। और सीबीसी में देखिए तो वैसे अरेस्ट बहुत प्रावधान है और सबसे प्रोमिनेंट वो एग्जीक्यूशन का प्रावधान है। तो अगर जो कोर्ट का ऑर्डर है वो केवल पर्सनल एविडेंस का नहीं, महिला के अरेस्ट बाकी कोर्ट के सामने आएगी उसमें कोई डाउट नहीं है, पर वो केवल पर्सनल एविडेंस का नहीं है, नॉर्मल पर्सनल एविडेंस का नहीं, पूछा बैठ गया अरेस्ट का तो आपको पकड़ के ले जाएंगे। अगर अरेस्ट का ऑर्डर है फिर चाहे आप कोई भी लेडी, चाहे आप पर्सनल लेडी हो चाहे कस्टमर की आपको पकड़ना चाहिए या नहीं आना चाहिए, आपके पास कोई भी प्रिविलेज नहीं और आपको अरेस्ट करके महिला पुलिस लेके आ सकती है। तो मतलब अरेस्ट के खिलाफ ऐसा कोई भी एग्जेंप्शन काम नहीं करता है। ठीक है, क्लियर सभी लोगों को? तो कैसे याद रखोगे, सेक्शन 132 किसकी बात करता है, वुमेन की, वुमेन के एग्जेंप्शन की फ्रॉम पर्सनल एविडेंस। मैं क्यों लिखाऊं यहां पे इसको, क्योंकि जो हमारा अगला सेक्शन है वो भी एग्जेंप्शन की बात करता है, पर वहां पे जो एक्सेप्टेड कैटेगरी है वो कोई वुमेन नहीं है या फिर जो आधार है वो कस्टमर मैनेजर नहीं है। यहां पे कुछ स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ लोगों की बात करेंगे जिनको उनके पद की वजह से, उनके पोस्ट की वजह से, रिस्पेक्ट की वजह से ये एग्जेंप्शन दिया जाएगा। देखते हैं क्या कहता है, सामने पढ़ना आपको बता दूं। तो जो हमारा सेक्शन 132 है वो किसकी बात करता है, एग्जेंप्शन की। इस एग्जेंप्शन की बाकी लोगों के, बाकी लोगों को ब्रॉडली इंटरप्रेट करना लिस्ट बताएंगे। तो जो लोगों की बात करेंगे अभी स्लाइड से, उन सभी लोगों के पास अधिकार है कि उनको पर्सनल एविडेंस के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा किसी भी कोर्ट के द्वारा। वही प्रोटेक्शन वुमेन को दे रहे हैं 132 के अंदर, वही प्रोटेक्शन मिलेगी। किसको मिलेगी? देखो, सबसे पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कोई भी कोर्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को मजबूर नहीं करेगा अपने सामने उपस्थित होने के लिए। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, स्पीकर ऑफ लोकसभा, स्पीकर ऑफ लोकसभा, मिनिस्टर्स ऑफ द यूनियन, केंद्रीय सरकार के मंत्रिमंडल है, जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, लिखते चला जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, गवर्नर ऑफ द स्टेट, सारे राज्यों के जो राज्यपाल है। ठीक है, और यूनियन टेरिटरीज के एडमिनिस्ट्रेटर, जो स्टेट में गवर्नर होते हैं यूनियन टेरिटरीज में उसको लोकसभा का स्पीकर होगा ना, स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जितनी भी लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा है पूरे देश में सभी स्पीकर हैं, चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, जितनी भी विधान परिषद है पूरे देश में पूरे देश में उनके चेयरमैन हैं, राज्यसभा के चेयरमैन कवर होगा ना, वाइस प्रेसिडेंट साहब की टेरिटरी, जो राज्य में सारे मंत्रिमंडल सारी राज्य सरकार की मंत्री हैं, जजेस ऑफ द हाई कोर्ट और बाकी के लोग जिनमें सेक्शन 87 भी अप्लाई होता है, इसको मैं आपको बताऊं पहले पूरी क्वेश्चन। तो इस स्लाइड का सारे मेंशन है जो स्टेट लेवल पर प्रोटेक्ट है, लेजिस्लेटिव असेंबली, स्पीकर, काउंसिल, चेयरमैन, स्टेट मिनिस्टर और हाई कोर्ट, जैसे स्टेट लेवल पे हो गए। और सेंट्रल लेवल पे कौन है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, स्पीकर ऑफ लोकसभा, मिनिस्टर ऑफ यूनियन, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और इसका ये है गवर्नर ऑफ स्टेट और एडमिनिस्ट्रेटिव यूनियन टेरिटरीज। अब ये सारी कैटेगरीज हैं फ्रॉम 1 टू 10, ये सारे लोगों को एक्सेप्शन दी गई है। क्या एक्सेप्शन है? कि इनको पर्सनली अपने लिए मजबूर नहीं करेगा कोई भी कोर्ट। अब इसको याद करके मैं बताता हूं, सबसे पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का रिप्रेजेंटेशन स्टेट लेवल पर होता है, गवर्नर और हेड ऑफ स्टेट ड्यूटीज में, तो प्रेसिडेंट और गवर्नर हो गए। दूसरे नंबर पर हमारे वाइस प्रेसिडेंट चेयरमैन ऑफ राज्यसभा हो सकता है, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा ये किसके साथ जाएंगे, चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, दो कैटेगरी हो गई, सारी कैटेगरी हैं। तीसरा स्पीकर ऑफ लोकसभा, ये किसके साथ जाएंगे, स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा के स्पीकर। ठीक है, तीसरा ग्रुप हो गया, चौथा मिनिस्टर, केंद्र सरकार के मिनिस्टर के साथ जाएंगे, राज्य सरकार के मिनिस्टर के साथ, चौथी कैटेगरी हो गई, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के साथ जाएंगे, जजेस ऑफ हाई कोर्ट। तो पांच कैटेगरी हैं टोटल, उसको केंद्र लेवल पे और स्टेट लेवल पे अप्लाई कर देना, हो गया 10 के साथ डील करना है, हर बात भी आकर केंद्र लेवल पे राष्ट्र राज्य का पता लगेगा क्या उल्टा तो जैसा डील। ठीक है, ये सारे लोगों को एक्सेप्शन दिया, मतलब आप सेक्शन 87 की ये जो एक्सेप्शन दी गई है हम लोगों को दी गई है जिसमें सेक्शन 87 लागू होता है, और सेक्शन 87 किसका, हमारे सीबीसी का, जल्दी से बोलो, आओ देखो क्या आपसे बोल, क्या है भाई 87 बी, 87 बी के अंदर बात कर रहे थे रूलर्स ऑफ फॉर्मर इंडियन स्टेट्स की। आप सभी को मैंने कहानी सुनाई थी, हमारा देश आजाद होने से पहले कई सारे राजाओं, छोटे छोटे दरबारों में हमारा देश बटा हुआ था, उन लोगों ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेक्शन साइन किया जिनके बदले में उनको अधिकार दिए गए, इसमें से एक अधिकार ये था कि उनके पद को देखते हुए, रिस्पेक्ट को देखते हुए उनको भी एक्सेप्शन दी गई थी, कोर्ट के सामने उनको रिस्पेक्ट के खिलाफ होगा। पर किस कैटेगरी के बारे में एक परेशानी है, ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से, ये एक्सेप्शन दी जा रही है ना इंडियन रूलर्स को, सेक्शन 87 का ध्यान देता हूं, इसको इंडियन रूलर्स, फॉर्मर इंडियन रूलर्स, इनके लिए ये एक्सेप्शन है, ये केवल उन केसेस पे लागू होगी, केवल उन केसेस में नहीं बुलाया जा सकता, जो केस हमारी भारतीय देश की आजादी से पहले के हैं। आज के समय का अगर कोई केस है, बात की बात में आया हुआ कोई केस है, फिर इनको एक्सेप्शन का फायदा नहीं मिलता, इनको एक्सेप्शन का फायदा मिलता है, पार्शियल है, केवल उन केसेस के बारे में है जो आजादी से पहले के। ठीक है, जो बाकी की कैटेगरी मैंने सेंट्रल स्टेट लेवल पर, ये हाई सिचुएशन है, चाहे देश की आजादी से पहले का बात हो, व्हाटएवर सर्कमस्टेंसेस हो, तो सारी सिचुएशंस में उनको क्या है, लिबर्टी मिलेगी, एक्सेप्शन मिलेगा, कोर्ट उनको मजबूर नहीं करेगा सामने आने के लिए। ठीक है, अब आ जाओ सबसे थ्री पे, सबसे थ्री में क्या बोला जा रहा है, कि जहां पर कोई भी व्यक्ति, ध्यान से देखना, क्लेम करता है फायदा इस एक्सेप्शन का, इस बात पर जिसकी वजह से उसे आगे चलकर जरूरी हो जाता है कि इसको एग्जामिन किया जाए कमीशन के तौर पर, तो ऐसी स्थिति में उसकी जिम्मेदारी होगी कि वो खर्चा उठाएगा उस कमीशन का, जब तक वो पार्टी है जो उसकी दवाई को मान रही है वो उसका खर्चा उठाने को तैयार नहीं है। बड़ा प्रैक्टिकल सेक्शन का जरूरत नहीं है, कमीशन का कांसेप्ट है जिसको मैं आपको समझा देता हूं। अब देखो, चाहते हैं सारे लोगों को एग्जामिन तो दे दिया, पर ऐसा तो है नहीं कि दवाई ली जाएगी, अगर किसी देश के अंदर की दवाई जरूरी है या इनका बस्ती होना जरूरी है, किसी तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, किसी के प्रेसिडेंट को बदल दो, क्यों ऐसा है नहीं कि छोड़ दिया जाएगा, मतलब किसको बड़ा है कोई समझ में नहीं, लेकिन मतलब ली जाएगी, बस ये बात है कि तुम नहीं कर रहे, तो मतलब क्या हुआ, अगर उनको कोर्ट नहीं बुला रहे तो उनके लिए स्पेशल अरेंजमेंट करने पड़ेंगे, कमीशन कंसिडर करनी पड़ेगी, जिसके थ्रू उनका वो सारा कंट्रीब्यूशन लिया जाएगा, उनकी दवाई एस्टीमेट में जो भी छूट जाएगी, उनके कंफर्ट के हिसाब से, क्योंकि कोर्ट मान जा रहा है, अगर एक्सेप्शन का फायदा उठा रहे हैं, तो जो भी खर्चा होगा कोर्ट का उनकी सहायता लेने में, क्योंकि उन्होंने एक्सेप्शन का फायदा उठाया है, तो वो सारा
कानून पढ़े थे सेक्शन 55 के अंदर सेक्शन 57 के अंदर और सेक्शन 59 के अंदर ये तीनों सेक्शन से रूल्स रेगुलेशन बताए थे आपको कि जब एग्जीक्यूशन के दौरान आपको अरेस्ट करना है तो क्या बात का ध्यान रखना है वो सारे प्रोविजंस लागू होंगे किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसका अरेस्ट हो रहा है सीबीसी के अंदर भले उसका अरेस्ट एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग के दौरान ना हो रहा हो वैसे ये 55 57 और 59 है ये सेक्शन स्पेसिफिकली एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग के बारे में है एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग के रिलेशन का अरेस्ट हो रहा है दीवार के सेक्शन दैट अप्लाई बट बिकॉज़ ऑफ दिस सेक्शन 54 यही सेम सॉर्ट ऑफ रूल्स रेगुलेशन अप्लाई करे जा रहे हैं वैसी सिचुएशन के केस में जहां पे अरेस्ट हो रहा है और वो अरेस्ट सीबीसी के अनुसार है और अरेस्ट एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग के दौरान हो रहा है सेम रूल्स रेगुलेशन जैसे बोलते हैं फटाफट से सेक्शन 55 बोल देखो आपको याद आ जाएगा सेक्शन 55 में अपने अरेस्ट और डिटेंशन की लिमिट्स पड़ी और उसको
उसके पास कोड का सामान भेजा है और उसको बुला रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं कि आओ भाई कोड के साथ में बताओ कि तुम्हारे स्क्रीन क्या जाना चाहिए, क्योंकि मेरी वेरिफाई नहीं है, मेरी आईडी नहीं है। तो अगर इस पर्पस के लिए ये वाला एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, कोई भी सेगमेंट का कोड आ रहा है, तो उसको ये एक्सेप्शन नहीं मिलेगा इससे, क्योंकि हमारा काम ये कहता है कि जब कोड आएगा एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, और अगर कोड सेटिस्फाई नहीं हुआ उस एक्सप्लेनेशन से और कोड डिसाइड किया कि मुझे अरेस्ट करना है, तो कोड के पास पावर है कि उसको तुरंत अरेस्ट कर सकता है। तो अगर हम ये एक्सेप्शन देंगे तो क्लैश हो जाएगा, वरना हमें फिर लड़ना पड़ेगा किसी बात का, बिजनेस वाले को भाग गया तो कुछ पता चल गया, सिचुएशन है ये वाली स्थिति। अगर किसी व्यक्ति को किसी वजह से कोड बुलाया जा रहा है एक्सप्लेनेशन देने के लिए, किसी भी डिग्री एक्सप्लेनेशन क्यों नहीं किया जा रहा है, तो वहां पर किया जा सकेगा और कोई एक्सेप्शन नहीं करेगा, बाकी स्थिति को छोड़कर बाकी सारी स्थितियों में आगे पार्टीज और लीडर्स बाकी विटनेसेस दे आर ऑल प्रोटेक्टेड। ये ऐसा कैसे हो गया कि पॉलिटिशियंस को कंपैरेटिवली हल्की प्रोटेक्शन
है वो ज्वाइंट सिटी क्यों है, उसके 40 दिन पहले से शुरू हो जाती है 40 days 40 और 40 दिन बाद तक रहती है। तो वो जो मीटिंग है जिसके बारे में ये प्रोटेक्शन की गई है ना, उस मीटिंग के 40 दिन पहले से और 40 दिन बाद तक उस मेंबर को अरेस्ट नहीं कर सकते। मानो कोई मीटिंग है जो 1 अप्रैल 2022 को होनी है, तो 1 अप्रैल के 40 दिन पहले तो मार्च का महीना हो गया, फरवरी के 8 दिन हो गए, मार्च का मतलब 17 फरवरी के बाद अरेस्ट नहीं कर सकते। और 40 दिन बाद मतलब अप्रैल का महीना मई के 10 तक, मतलब 10 मई तक, मतलब कोई मीटिंग 1 अप्रैल 2022 है तो आप 17 फरवरी के बाद और 10 मई से पहले किसी भी व्यक्ति को ये हाउस का मेंबर कमेटी का मेंबर आप अरेस्ट नहीं कर सकते। और एक और बात, अभी अगर आप चौकी नहीं हो, अभी आके आप क्या ऐसी फटी नहीं है, तो एक बात बताता हूं, ये जो सेक्शन 135 है ये केवल अरेस्ट के खिलाफ प्रोटेक्शन नहीं है, जैसा कि आपने सेक्शन 134 और 135 के अंदर पढ़ा, ये प्रोटेक्शन डिटेंशन के भी खिलाफ है। इसके खिलाफ है डिटेंशन के भी खिलाफ है। डिटेंशन से मतलब अगर किसी व्यक्ति का अरेस्ट हो चुका है पहले से, कोई भी मेंबर है लोकसभा का, राज्यसभा का, किसी कमेटी का, विधानसभा का, विधान परिषद का, पहले जेल में, मानो उसको जाना था फरवरी का 18 फरवरी का, अगर कोई व्यक्ति जेल में है पहले से, मतलब डिटेंशन के अंदर है, तो मेंबर है किसी भी इंस्टीट्यूशन का, तो इस मेंबर को आप जेल में नहीं रख सकते उस मीटिंग के 40 दिन पहले से, उस मीटिंग के 40 दिन बाद तक। तो आप अरेस्ट कर ही नहीं सकते, पर अगर किसी को अरेस्ट रखा है तो छोड़ना पड़ेगा, मतलब हमारे एग्जांपल में पुलिस ने चालक दिखा के बाद 10 फरवरी को अरेस्ट किया, तो 18 फरवरी को छोड़ना पड़ेगा, अगर 1 अप्रैल को मीटिंग है 10 मई तक वो छूटा ही रहेगा, ठीक है। ज्यादा सब्जेक्ट कोई भी व्यक्ति जिसको छोड़ा गया है डिटेंशन से, मतलब अरेस्ट पहले से करना था और 40 दिन पहले छोड़ना पड़ा, तो ये जो व्यक्ति है जिसको छोड़ा गया है उसको दोबारा अरेस्ट किया जा सकेगा, और ये दोबारा अरेस्ट प्रक्रिया है वो कब होगी, 40 दिन पूरे होने के बाद, मतलब हमारे एग्जांपल में मीटिंग को 10 मई के बाद, ठीक है। तो ये जो प्रोटेक्शन है 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक, ये अरेस्ट के खिलाफ है और ये डिटेंशन के खिलाफ है। पर फिर से वही बात रिपीट करना कि आप लोग थोड़ा सा अभी सारी चीजें चल रही हैं, पॉलिटिशियन कुछ भी कर सकते हैं, उन्हें जेल भी जाना पड़ेगा, 40 दिन पहले छोड़ रहे हैं, इतनी ज्यादा लड़ाई बात करना मत भूलो, ये जो अरेस्ट की चर्चा कर रहे हैं हम इन सारे सेक्शन के अंदर, ये अरेस्ट सिविल केसेस के हैं, अगर कोई पॉलिटिशियन क्रिमिनल केस के अंदर जेल में है तो नहीं छूट जाएगा, अगर किसी पॉलिटिशियन को किसी क्रिमिनल केस के अंदर जेल में है तो नहीं छूट जाएगा, अगर किसी पॉलिटिशियन को किसी क्रिमिनल केस के अंदर जेल में है तो ये नहीं कह सकते कि मेडिकल है, इस बात का सब जो इंटरनेट का मैंने आपको बहुत लिमिटेड सिचुएशन है, ज्यादा से ज्यादा किसी महीने के लिए तीन महीने के लिए ले सकते हो, बहुत ज्यादा से ज्यादा, आप ऐसा सोचना कि बहुत ज्यादा भयानक हो रहा है यहां पे, ये सारे फंडामेंटल लाइक वाइज हो रहा है, ठीक है। हां ये बात बिल्कुल सही है कि हम कंपेयर कंपेयर करते हैं सेक्शन को 134 से 135 से, तो आपको बॉक्स ही होता है, यहां बहुत लिमिटेड प्रोटेक्शन है, सब दूसरी बात कर सकते हैं, और यहां पे 40 से पहले 40 से बाद तक किसी बहुत ज्यादा डिफरेंस है, बट वो भी है, इट इज नॉट दैट मच कंसीक्वेंस, इसलिए कैसे पॉलिटिक्स का आपको बताइए कहां जाते हैं, ठीक है। बच्चे ये क्लास का सेशन यही होता है, हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे इस डिस्कशन, और जो हमारे बच्चे सेशन है फ्रॉम सेक्शन 135 से जो मैंने आपको बताया उनको कवर करेंगे, उस सेक्शन से बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट आने वाले हैं जिनके ऊपर भी खास नजर रखनी है, जैसे सेक्शन 141 सेक्शन 144 इन सेक्शन में चाहता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझाऊं, रीजन भी ये सेक्शन समझा पाना और समझ पाना इज नॉट दैट इजी, तो आप दिमाग थोड़ा फ्रेश करके आइएगा कि थोड़ा सा आपके लिए, क्योंकि समझाने के लिए बहुत कुछ है, ठीक है। अगर आप चाहते हो पूरी तरीके से क्लास यूटिलाइज करो तो मैं चाहूंगा कि आप मैं आपको स्ट्रिक्टली बोलूंगा फॉर द नेक्स्ट 45 मिनट्स, या तो आप बंद करके लेट जाओ या अपना माइंड फ्रेश कर दिया, ठीक है। ऐसी बात है, बाय बाय। Thank you.